बाजू। जी मालकिन। देख क्या रहा था तू? मालकिन वो गलती से मेरी नजर पड़ गई, वो मैं यहाँ पर काम कर रहा था इसलिए। तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? तू ये वाहियात झूठ बोलेगा और मैं तुझ पर भरोसा कर लूंगी। नहीं मैडम, सच में मेरी गलती से नजर पड़ गई। आई एम सॉरी। आने दे तेरे साहब को, मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। जब मैं नहा रही थी तब तू मुझे छुप छुप के देख रहा था, और वो जब तुझे काम से निकाल देंगे ना तब तुझे पता चलेगा। पर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और मैडम वैसे भी मुझे काम पर आए कुछ दिन तो हुए हैं, आपको क्या फायदा होगा मुझे काम से निकलवाने में? तुझे काम पर रख के मुझे कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है। कैसी बात कर रही है आप मैडम, मेरे कारण आपको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। जब से मैं आया हूँ सारा घर का काम मैं ही करता हूँ, और आप बोल रही हूँ कोई फायदा नहीं है। मैडम ये बेनिफिट तो तेरे पास जो नौकर आएगा वो भी मुझे दे सकता है। मैडम मुझसे गलती होगी, प्लीज एक चांस दो, एक बार माफ कर दो मैडम, आगे से मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अगर तू चाहता है मैं तुझे काम से ना निकलवाओ तो तुझे मेरा कहना मानना होगा। कहना मुझे क्या करना होगा मैडम? आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। तो ठीक है फिर चलो मेरे साथ बेडरूम में। बेडरूम? बेडरूम में क्या करना होगा मैडम? देखने में तो तू ठीक ठाक लगता है, और मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ, तो तुझे बस मुझे खुश करना है। पर मैडम ऐसा ऐसा वैसा कुछ नहीं, चल तू मेरे साथ। वीडियो तो अच्छा बना है। क्या अभी हम दोनों के बीच जो भी हुआ आपने उसका वीडियो बना लिया? हाँ। पर ऐसे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पति को पता लग जाएगा। मैं इन्हीं वीडियो को बेचकर पैसे कमाती हूँ। पैसे कमाती? मैं कुछ समझा नहीं। तुम अभी बच्चे हो, तुम कुछ नहीं समझोगे। मालिक को आने दो, मैं मालिक को सब कुछ बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। साहब अच्छा हुआ साहब आप आ गए। आपको पता है मालकिन ने मेरे साथ गलत किया, और तो और उसकी वीडियो बना ली। क्या नेहा? अरे आप आ गए। ये क्या बोल रहा है कि तुम इसके साथ में गलत किया और फिर वीडियो बना ली? अरे जो हम हर नौकर के साथ करते हैं बस वही किया, लेकिन बेचारा डर गया है। मतलब इसको भी फंसा ली अपने जाल में। हाँ। क्या साहब आपको सब कुछ पता है? आपकी वाइफ ये सब करती है और आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है? अरे कौन कहता वो मेरी वाइफ है? तुम गलत फहमी में हो, वो एक्चुअली मेरी पार्टनर है, हम लोग मिलके काम करते हैं। तुम्हारे जैसे नौकरों को घर पे बुलाते हैं, फिर उसके साथ में वीडियो बनाते हैं, और उन वीडियो को बेच के हम अच्छे पैसे कमाते हैं, क्योंकि ऐसे काम के लिए लड़के मिलते नहीं है ना, इसलिए। तुम दोनों ने मेरे साथ गलत किया है। अब गलत सही का तो पता नहीं, लेकिन तुम जैसे लड़के अगर होशियारी करते हैं ना तो ये वीडियो मैं पुलिस को दे देता हूँ, और फिर कहता हूँ कि मेरी बीवी के साथ में इसने रेप किया है, बाकी काम पुलिस संभालती है। तो इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दो, जाओ अपना काम करो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, मैं ये बात पुलिस तक लेकर जाऊंगा।